सो हाय गाइस, भाई गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग हो रहा है तो थोड़ा सह लेना, ऐसे ही चलता रहता है हमारे साथ। और दो लोग और हैं आज, हरियांश और मोना, दोनों एकदम तैयार होकर बैठे हुए हैं। तो आप समझ जाइए कहीं की तो प्लानिंग चल रही है जाने की। सो आज एक तो बहुत बड़ी खुशी का दिन है, मतलब मेरे लिए भी और स्पेशली मोना के लिए तो सबसे बड़ी खुशी है आज। मतलब इससे ज़्यादा खुशी कभी हुई है पहले? नहीं यार, सच बताना इतनी खुशी तो शादी की भी नहीं हुई होगी मोना को अपनी जितनी आज हो रही है। तो मैं आपको बताता हूँ, धीरे धीरे बात करते हैं गाड़ी में बैठते हैं। तो अभी पहले सफ़र शुरू करते हैं। रियांश बाबू काफ़ी एक्साइटेड हैं बिकॉज इनको गाड़ी में चलने का बड़ा मज़ा आता है। सो अभी सफ़र शुरू करते हैं, फिर आपसे बाड़ी क्यों कह रहा हूँ मैं यार, गाड़ी में आपसे गाड़ी में बात करते हैं। एक्साइटमेंट के चक्कर फंबल हो रहे हैं मेरे से, फंबल। सो आइए चलते हैं। तो चले शुरू करें फिर। बिल्कुल रियांश। रियांश कहाँ जा रहे हो बताओ पहले। चले, कहाँ जा रहे हो आप, किसके घर जा रहे हो? आजाद। इसे तो बस एक ही चीज याद है, आजाद। लेकिन कोई नहीं, छोटा सा हिंट तो दे दिया है, लेकिन बड़ा हिंट अभी हम गाड़ी में डिस्कस करते हैं। मेरी जीप क्यों लड़खड़ा रही है आज? पता नहीं, अभी सो के उठ के आई हूँ, अभी थोड़ी देर पहले। नशे से मैं उठाया हूँ, मैं सो को समझ में नहीं आ रहा। चलो 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 प्लीज चलो चलो, तो इस तरह से हो जाता है। चलिए सफर शुरू करते हैं, डालते हैं गाड़ी में पहला गियर और चलती है। अरे यार, हैंडब्रेक तो हटा ही नहीं है ना आज, तो हैंडब्रेक भी। सो सफर शुरू। सो फिर से गाड़ी रोक लिए, थोड़ी दूरी चले थे, सोचा था चलते चलते बात करेंगे, जिसके लिए गोप्रो हमने यहाँ पे माउंट किया हुआ है, लेकिन ये हैंग हो गया एक्चुअली। पता नहीं इसके साथ क्या दिक्कत है, ये बहुत जल्दी हैंग हो जाता है। सोचा पहले व्लॉग कर लेते हैं फिर आगे चलेंगे। आज जो खुशी है वो इतनी ज़्यादा है, मतलब मुझे तो है ही है, आप मोना से पूछेंगे तो मोना का तो पता ही नहीं अंदाज़ा क्या होगा, बिकॉज मोना इस दिन का बहुत दिनों से वेट कर रही थी, बहुत दिनों से प्रे कर रही थी, तो फाइनली वो दिन आ गया है। सो जो मुद्दा है वो ये है कि जो हमारे साले साहब हैं उनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, जिस चीज़ के लिए हम सब लोग वेट कर रहे थे, उन्होंने इतनी मेहनत की है, फाइनली वो दिन आज आ गया है। जो 69,000 जो टीचिंग वैकेंसीज थी यूपी गवर्नमेंट में, उसकी थर्ड काउंसलिंग की लिस्ट आ गई है, जिसमें उनका नाम आ गया, तो फाइनली 100% श्योर हो गया है कि उनकी जॉब लग गई है। सो आज हम स्पेशली जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए, उनको हालांकि बताया नहीं हम लोग आ रहे हैं, बिकॉज हमारी आदत है सरप्राइज़ देने की, और सबको पता भी चल गया कि हम सरप्राइज़ देते हैं। सो उनको थोड़ी सी हिंट भी मुझे लग रहा है कि लग गया, बिकॉज मोना के पास एक दो बार कॉल आ गई है कि आ रहे हो कि आ रहे हो कि, मैंने कहा नहीं आज नहीं आ रहे, कल देखेंगे परसों देखेंगे, लेकिन हम जा रहे हैं। बिकॉज जो आज खुशी है, मतलब उसमें शरीक होना बहुत ज़रूरी है, और वो खुशी चार चांद लगा देती है जब अपने साथ में होते हैं, तो वो फीलिंग उनको देना चाहते हैं, उनके साथ शेयर करना चाहते हैं। इसलिए मैं, मोना और रियांश, जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारी घंटा व्लॉगिंग में, हम कर क्या रहे हैं, बाकी ये बड़े हो जाएंगे जब ज़रूर देखेंगे कि हम क्या कर रहे थे। तो बस चलते हैं एक ग्लास की तरफ। शाम के अभी बजे हैं कितने, 5:30 ऑलरेडी हो चुके हैं। सो जल्दी जल्दी चलते हैं अंधेरा होने से पहले, और उनको देते हैं सरप्राइज़, और आपको दिखाते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, मतलब डबल खुशी हो जाएगी। सो आप भी उनको बधाई दे सकते हैं व्लॉगिंग में। चलिए तो फिर सफ़र शुरू करिए, शुरू किया जाए। चलो रियांश, क्या कर रहे हो आप? आपको पापा ने जो 10 रुपए दिए थे उनको लेके घूम रहे हो ना आप सुबह से? कहाँ है रियांश के साथ ना बहुत बड़ा वाला कपला हो चुका है। उसके पापा ने उसे आज पागल बना दिया है। सुबह इसे विदा मिली थी, मामी जी मामा जी आए हुए थे हाई फाई के, तो उन्होंने 500 रुपए दिए थे रियांश को विदा के, लेकिन उसके पापा ने, रियांश के पापा ने उसे 10 रुपए दे के और 500 रुपए ले लिए और उसको पागल बना दिया वो। लेकिन रियांश इतना खुश है सुबह से कि उसके पापा ने पता नहीं उसको क्या दे दिया। रियांश, पापा किसने दिए थे आपको पैसे? अम्मा। नहीं, और जो आपके पास पैसे थे वो किसने ले लिया आपसे? पता सब है उसको, पता सब है पापा ने लिए, लेकिन वो बोल नहीं सकता है बेचारा, उसने सोचा कोई नहीं, वो सॉरी 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 ब्लॉगिंग के चक्कर में होता रहता है बेटा ऐसा। तो अभी रियांश हमारा 2 साल का हो गया लेकिन चीजों को समझता नहीं है। ब्लॉगिंग करनी है, बोलो कुछ। हेलो, हाँ,
सो एक ग्लास तो पहुंच गए, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, सरप्राइज मेरे को लग रहा है पोपट हो गया, बिकॉज अभी रास्ते में ना साले साहब सामने बाइक से हमें क्रॉस किए हैं और हम इधर से निकले हैं, सो आई कॉन्टेक्ट मेरा और उनका हो गया है, तो मुझे 99% श्योर हूँ कि आज़ाद भैया ही थे, उन्होंने गाड़ी देख ली है तो वो सीधे कहीं किसी काम से गए हैं, तो बस वो दिक्कत है। सो मेरे को लग रहा है कि उनको पता चल गया 100%, अब तो पता चल गया, सो अभी रुके हैं, बस मिठाई विठाई ले लें, बिकॉज मुंह मीठा करना ज़रूरी है सबका, सो आपका भी कराएंगे, सो मिठाई लेके फिर घर चलते हैं और देखते हैं उनको पता चला है कि नहीं चला है। आइए, पापा किधर हैं? पहचान कहाँ है? नहीं दिखे अभी, देखो यश पापा कहाँ है? यश पापा कहाँ है? पापा अभी गए, यश को पता भी नहीं है, यश के पापा लो जी माल आ गया, विदा की पूर्ति हो गई है। अच्छा नहीं, आज आज खुशी में, मतलब आज तो खुशी में, आज विदा विदा को कुछ नहीं लेंगे, आज आपकी विदा आज नहीं लेंगे, आज खुशी में। पापा आ गए, आपको पता ही नहीं चला? आज तो पता नहीं क्या पोपट पे पोपट हुए जा रहा है, सरप्राइज हमें मिलने वाला है कि हम दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। अभी मिठाई की दुकान पे गया तो वो जानते तो नहीं हमें, तो मैंने कहा ये मिठाई कर दो, और घेवर देख के मुंह में पानी आ गया, बिकॉज घेवर मेरी फेवरेट मिठाई है, मैंने चलो आधी किलो ये भी दे दो, तो वो पैक वैक हो गया, फिर वो बताता है कि अभी आपके ससुर साहब भी 1 किलो घेवर ले गए। अरे यार, मैंने कहा ये तो पहले से ही, मतलब सब मेरे को लग रहा है वो हमारे लिए तैयारी कर रहे हैं, हम उनके लिए तैयारी कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को सरप्राइज दे रहे हैं। तो जो भी है, चलो घर चल के देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो आप 1 किलो खाई लोगे अकेले? वो तो सब देख ले, मैं और आजाद भैया दोनों ही, ये मिठाई वैसे किसी और के लिए नहीं है, सब अपने लिए ही है। उनको भी बहुत शौक है और मुझे भी बहुत शौक है। सो फाइनली फाइनली क्यों बोल रहा हूँ, इतना लंबा भी नहीं चल गया यार, होना हो क्या रहा है आज, मतलब व्लॉगिंग भूल गए हैं मैं और तुम। खैर कोई नहीं, सो घर आ गया है, तो चलिए देखते हैं फाइनली की सरप्राइज हमें मिल रहा है कि हम दे रहे हैं, जो भी है जैसा भी आपको बता दे, चलो आए आएंगे, पापा ही पता था आएंगे साले जाएंगे यही आएंगे यार, सरप्राइज दे रहे थे हम इनको। कैसा लगा सरप्राइज? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उम्मीद थी आपको? हाँ, क्या आपको क्या लग रहा था कि हम लोग आएंगे? आएंगे जरूर, निश्चित 100% आएंगे जरूर। खुशी है, खुशी तो होती है, देखो फेस पे दिख रही है दोनों के, कितनी तो पता दी आएंगे इन्हें, ये कह रहे थे 100% आएंगे, 100% मुझे ना ही उम्मीद, मोना राहुल झूठ ना बोलेंगे, मैंने कि वो आना नहीं। अच्छा आप इसका मतलब पापा को हमारी पहचान हो गई है, ये कह रहे थे जो करे आएंगे 100%। आज अभी यही तो मिले थे, मैंने कहा देख लिया है उन्होंने। ना ना वो ना देख पाया तुम्हें, ये कह रहा था मुझे गाड़ी लगी थी मोना जी, ना जो की गाड़ी मैंने देखी है, मुझे लगी जैसे मोना की गाड़ी है। ना ना इसी टॉपिक पे इनमें फाइट हो सकती है, थोड़ी बहुत देर में आपको देखने को मिलेगी। आजा बाबू। नहीं नाना जी, नाना जी का फैन है अपने। मुझे लगा कि मैंने ब्रेक भी लगाई थी गाड़ी बाइक पे, कुछ ताऊ जी बैठे हुए थे, फिर आपने एक बार ब्रेक लगा के साथ फिर सीधे निकल गए। हाँ श्योर था मैं, नंबर नहीं देखा था मैंने, चीजा जी पहचान ली थी मैंने, और ये आगे बैठा था स्मार्ट से बैठे गाड़ी में। एक बार कैमरे बता दी, मैं देख रहा था मैं स्मार्ट से बैठे तीनों के तीनों गाड़ी। भैया ये तो झूठ है, मास्क लगा रखा था मैंने, चश्मा भी तो लगा रखा था, स्मार्टनेस कैसे दिखाई देगी, चश्मा भी तो लगा रखा था। चलो थैंक यू। सो मुलाकात हो गई थी, लेकिन इस बार सबको श्योरिटी थी कि हम आ रहे हैं, मतलब पहले से सब व्यवस्था यहाँ पे, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक मिठाई विठाई सब ला के रख लिया, इसका मतलब सबको पहले से पता था। अभी बताओ पहले खुशी कैसी हो रही है, मतलब बयां नहीं किया जा सकता, बयां कर दो, मतलब शब्द कुछ शब्दों में तो कर दो।
ऐसा लग रहा है जैसे जन्नत में पहुंच गया हूं। जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी। बिल्कुल जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी। तो ये रिजल्ट 3 साल बाद आया 18 में, भैया बता रहे टेस्ट दिया था जनवरी में और आज 2021 कोविड की वजह से सारा कुछ जो भी डिले हुआ शायद उसकी वजह से टाइम लगा, लेकिन आज जो भी है रिजल्ट आ गया है तो आज तो खुशी बहुत हो रही है सर। बिल्कुल हो रही है बहुत, हमें इतनी हो रही है तो आपको कितनी हो रही होगी मैं फील कर सकता हूँ। बिकॉज जब मेरी जॉब लगी थी तो मुझे पता है मेरी तो खैर प्राइवेट लगी थी तब इतनी ज़्यादा खुशी हुई थी, लेकिन गवर्नमेंट जॉब वो भी सही टाइम पे लगना मतलब सच में बहुत अच्छी बात है। सो आपकी तरफ से और हमारी तरफ से भी इन सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। सो आप भी कमेंट बॉक्स में प्लीज़ दे देना। तो कब काउंसलिंग कब है? कल 28 और 29 में यानी परसों और दो दिन बाद। सो सिर्फ काउंसलिंग में तो आई थिंक डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई होते हैं ना, वेरिफिकेशन होगा फिर 30 को नियुक्ति। अच्छा 30 को नियुक्ति पत्र मतलब 30 को ऑफिशियल ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। सो कोई नहीं, वो तो खैर आना ही है, जब इतना प्रोसेस हो गया मेरिट लग गई है तो सब बिल्कुल हो ही जाएगा। सो अभी सेलिब्रेशन का टाइम है तो कुछ हाँ बिल्कुल टाइम तो खैर हो गया। ओ भैया क्या हाल है भैया, ये क्या भेष बना रखा है आपने? पूछो मत, हाल खराब है आपका। अभी मैं बधाई हो जी। अरे आप जल्दी जल्दी अब दावत दिलाइए। दावत आज मैंने देखी स्माइल, मतलब तुमसे 10 साल बाद बता रही हूँ मैं। ऐसी स्माइल है, ऐसी स्माइल है यार, मतलब इसीलिए मैं भगवान से बस प्रे करती थी कि मुझे अपने भाई की ना ये स्माइल देखने के लिए मिले। थैंक गॉड। अरे आज क्या खा रहे? चलो चलो और सुनो, तुम क्या में मुझे तो बताइए ना। थैंक यू मीठा खा रहे थे पूरे में घूमता रहेगा। एक्सचेंज करेंगे ना, ये घेवर है ही अपने ही। मैं तो कैमरे में बोला अभी मेरा और आपका ही है इसमें, और किसी का हक ही नहीं है। लो भैया बहुत बहुत बधाई फिर से, अब बड़ा सा पीस मेरे को दे दो। वो बढ़वा दे रहा है। मजे आ गए, तृप्ति मिल जाती है। ये कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं जन्नत में पहुंच गया घेवर खा के। पहला वाइट मलाई घेवर, वो भी रग्गा सेठ का, इस सीजन का सब चीजों से ऊपर है मतलब। ये बहुत अच्छा बनाते हैं, ट्राई करो कोई भी आए ना एक ग्लास तो रग्गा से थोड़ा आगे आ लेके जाओ। कमीशन कुछ नहीं है पर ले जाना। कौन है रियाज? पता ये मैडक के पीछे पड़ गया है और इसे सिर्फ यहाँ पे आना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसे मैडक मिलते हैं यहाँ। कौन है रियाज? पता इसका नया नाम आपने किया है। पता क्या नाम है इसका? अच्छा कैमरे में देखना है। अरे सबसे बिजी इंसान है ये घर का। क्या कर रहे हो? किससे? ओहो बातें भी कितना स्टाइल में बातें हो रही है। किससे बात कर रहे हो? कहाँ गए हैं आज? आज बुलाओ कोट बैठ भी पता नहीं है हमारी खुद समझ में नहीं आता है। हाँ बुलाओ यश, बुलाओ कौन से जल्दी बुलाओ। नहीं लगा दे अम्मा, अम्मा लगा दे, खुद खुद लगाओ ना। क्या देखना आपको जो भी कार्टून लगाओ बेटा। अभी मैं जा रही हूँ किचन में मम्मी की हेल्प कराने, काफी टाइम से वो अकेली लग गई है। देखती हूँ कर क्या रही है पहले। क्या कर रही हो भाई? भाग गई है वो कैमरे को देख के, पकौड़ियाँ वकौड़ियाँ सीख रही हैं अभी। तो अभी खाना वाना भी रेडी करना है। सो वही गुड मॉर्निंग और सुबह के 8 बज चुके हैं और कल रात को बात करते करते और माहौल बनने के बाद कब नींद आ गई कब सो गए पता ही नहीं चला। सो इसलिए व्लॉग नहीं कर पाए। बाकी अभी सुबह की शुरुआत होगी ब्रेकफास्ट के साथ। यहाँ पे चेयर वेयर सब सेट हैं और एक कैमरा गाड़ी के थोड़ा उधर गाड़ी के बोनेट पे हमने लगा दिया जाके एक एंगल और मिल जाए। सो पहले ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद देखेंगे क्या करना है। वैसे आज संडे है सो बिल्कुल रिलैक्स वाला मूड है, कहीं आने जाने की अभी कोई लॉकडाउन है ना तो आज कहीं आने जल्दी नहीं है। तो अभी देखते हैं क्या करेंगे, कुछ सीन है या नहीं है तो थोड़ी देर में अपडेट करेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगी? आपने सब बोल दिया ना, मुझे मौका ही नहीं मिलता बोलने का। या मौका दे रहा हूँ ना, बोलो ना। कोई नहीं फिर बोलती हूँ ना मैं, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करने के बाद एनर्जी आएगी, एनर्जी जैसी आती है मैं आपको कुछ ना कुछ। सो पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। खा जाएगा आपको ये। रियांश
बुला ले इसको, बोलियो वो आया 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 रियांश भागा भागा रियांश आ जाओ, ऐसी गस लगा मत डोल लो जैसे कुत्ता हमारे खावो करने का देर आजा बेटा माल आ गया देख इधर देख मामा जी देसी पंखा आ गया ना यहाँ पे हैंड फैन मोना कह रही हैंड फैन मैंने हमारे यहाँ तो बीजना कहते हैं हम भी बोलते हैं बट कभी कभी कोई नहीं चलता है सब हैंड फैन इतना मतलब टेक्निकल वर्ड यूज करोगे बीजना घुमाओ घर का बना हुआ देसी हम बीच में आर पार सब रो फट रहे हो जाम दे हवा बेजू पार रह रही है वो आज ऐसा है ना कि मतलब काम नहीं बढ़ता है ना तो कोई लेता भी नहीं है रखता भी नहीं है और होंगे भी तो पता नहीं कहाँ पड़े हैं बट जरूरी चीज जब लाइट चली जाती है तो इसका महत्व समझ में आता है बाहर जब बैठे हैं तो यही काम आ रहा है लाइट तो अंदर भी बैठ सकते हैं पर सेटअप लगा रखा है ना बाहर हमने सुबह सुबह ऐसा ब्रेकफास्ट देख के मुंह में पानी गया मतलब बाढ़ सी आ रही है तो रिकॉर्डिंग बंद करें पहले पेल लें तो गाइस ब्रेकफास्ट हो गया है और अभी इस व्लॉग को एंड करने का भी टाइम आ गया बिकॉज ऑलरेडी व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया जैसा मुझे लग रहा है सो फिलहाल इस व्लॉग को एडिट करता हूं मैं और अभी फिलहाल तो कुछ सीन बन रहा है भैया के साथ कहीं निकलने का कहीं जाने का अभी श्योर नहीं है कि व्लॉग करेंगे कि नहीं करेंगे अगर करेंगे तो आपको अगले एपिसोड में पता चल ही जाएगा और बाकी अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी अपना ध्यान रखिए बाय बाय